हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हमने चैप्टर नंबर 13 शुरू किया था, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स कौन कौन से? क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। क्यूब क्यूबाइड का मैं तुम्हें सरफेस एरिया बता चुकी थी, एक मैंने असाइनमेंट भी भेजी थी, काफ़ी बच्चों की आई है, बहुत अच्छे से की हुई है, मैंने उनके सोल्यूशन भी भेज दिए थे आपको। तो अब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड समझने से पहले आपको ये समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ए स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, मीन्स जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, अब आपको इस फिगर में क्या दिखाई दे रहे हैं? देखो, ये क्यूबाइड दिखाई दे रहा है, ब्रिक बनी हुई है, ये क्यूबाइड है, ये डाइस क्यूब है, ये क्यूब है। दो ये क्यूब के एग्जाम्पल हैं, ये दो क्यूबाइड के एग्जाम्पल्स हैं। तो इनका स्थान घेरना इसका वॉल्यूम कहलाता है। सपोज ये हम उठाते हैं, एक सेकंड के लिए, इसका ये बेस, इसने इतना एरिया घेरा है? नहीं, यहाँ तक स्पेस काउंट है, यानी कि उसका एरिया और ये हाइट, ये उसका एरिया बेस और ये हाइट, उसका ये बेस और ये हाइट, इस तरह से। तो आज हम सीखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। ये क्या है? क्यूब है। क्यूब में ये सारे फेसेस कैसे हैं? स्क्वेयर है। तो इसमें ये देखो, ये बेस ए बी सी डी। अभी मैंने उस लॉजिक को दिमाग में लेकर चल रहा है, हमने वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड किसी का भी निकाल रहा हूँ। वॉल्यूम जब हमें मतलब समझ में आ गया कि जितना स्थान घेरती है, अब मेरी ये स्क्रीन पर है, इसने क्या स्पेस घेरा हुआ है हमें दिखाई देगा, ये उठा दो तो इतना स्थान ही तो घेरा हुआ है, लेकिन नहीं, इसने कितना यहाँ तक कवर किया हुआ है। अब मैं अपनी स्क्रीन पर इतने स्पेस पर, जो आपको येलो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस पर मैं कुछ भी ड्रॉ करना चाहूँ नहीं कर सकती, इधर कर सकती हूँ, इधर लिख सकती हूँ, लेकिन ये तो स्पेस कवर है ना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कवर है। तो इसका वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करते हैं, पहले तो बेस, बेस कितना है देखो, ये जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, ए बी सी और डी, बेस इतना कवर है, और हाइट कहाँ तक कवर है, यहाँ तक है। तो यानी अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो जितना स्पेस बेस पर कवर हो उसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बेस, और जितना ऊपर जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि बेस का एरिया निकाल लो और जहाँ तक ऊंचाई जा रही है, हाइट जा रही है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये लॉजिक है, ये आपको समझना है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्यूब है, अब क्यूब का वॉल्यूम निकालना सीखने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अभी मैंने यही लॉजिक समझाया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है, स्क्वायर, बेस रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ, बेस सर्कल होगा तो सर्कल का एरिया, बेस ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल का एरिया, क्लियर ना, जो बेस होगा उसका एरिया निकालेंगे। नीचे हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर का बेस साइड इंटू साइड, अब यहाँ साइड क्या है, एल, तो क्या आ जाएगा, एल मल्टीप्लाई एल, क्या बन जाएगा, ये एल स्क्वायर, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ बेस आ गया। अब हमने निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू एल, दैट इज एल क्यूब, क्लियर, समझ में आ गया। ये आपने इसको प्रैक्टिस भी करनी है, इस तरह से बनाना भी है और लिखना भी है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको इसीलिए असाइनमेंट दिए थे, आप इन लॉजिक्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्यूशन हम भेजें ना भेजें, यू हैव टू शो दिस वीडियो एंड यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ, क्यूब है या क्यूबाइड है यह आपको देखना है। अब आता है क्यूबाइड। क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंस मैं पहले बता चुकी हूँ, क्या है, क्यूब में क्या था, लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम थे, तीनों एल एल थे, इसमें क्या है, लेंथ डिफरेंट, ब्रेथ डिफरेंट, हाइट डिफरेंट, तीनों अलग अलग चीज़ हैं। अब इसका क्या करते हैं, क्यूबाइड है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लॉजिक वही, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, अब इसने यहाँ से यहाँ तक पूरा स्पेस कवर किया हुआ है, अब इसका बेस ये जा रहा है, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या आ जाएगा, ये एल इंटू बी, यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज एल बी एच, क्यूबिक यूनिट। अब क्यूबिक यूनिट आपने ध्यान रखना है, जैसे एरिया हमेशा स्क्वेयर यूनिट में आता है, ऐसे ही वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आता है। अगर आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट मीटर में है तो वॉल्यूम आ जाएगा मीटर क्यूब, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, और इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.5।
13.1 में हमने किया था सरफेस एरिया और 13.5 में हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.5 जिसमें हमने सीखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। वेरी सिंपल, मैच बॉक्स माचिस देखी हुई है आपने, माचिस देखी हुई है, क्यूबॉइड शेप में होती है। ये आपके पास लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5, हाइट 1.5, और क्या कहा गया है, वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। उस तरह के 12 बॉक्सेस अगर हमारे पास आ जाए तो उनका वॉल्यूम क्या होगा। लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5, हाइट 1। तो पहले हम एक बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, बाय 10 यहाँ लगाओ, बाय 10 यहाँ लगाओ, 100 बन गया, 425, 25 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यह सब सेंटीमीटर में है। अब ये एक बॉक्स का आ गया, हमने कितने का निकालना है, 12 का। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस को 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यस, सेकेंड क्वेश्चन, ए क्यूबाइट वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप, हाउ मेनी लीटर द वाटर कैन इट होल्ड। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ वॉल्यूम निकाल लो, कहीं नहीं लिखा हुआ। क्यूबाइड वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक है क्यूबाइड शेप में, जिसकी लेंथ 6 मीटर है, विड्थ 5 मीटर है और हाइट 4.5 मीटर है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी क्षमता है। तो जब आपसे ये कैपेसिटी क्षमता इस तरह से पूछे जाए, इसका मतलब भी वॉल्यूम है, ठीक है। अब लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, हाइट 4.5 मीटर, वॉल्यूम ऑफ टैंक एल बी एच मीटर क्यूब, 6 इंटू 5 इंटू 4.5, यहाँ पॉइंट हटाने के लिए 10 लगा दोगे, 5 टू द 2 3 द 45 3 द 135 मीटर क्यूब। अब उसने हाउ मेनी लीटर्स लिखा है, साथ में ये हिंट दे दिया, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 135 में कितने हो जाएंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 135000 लीटर ऑफ वाटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज, ए क्यूबाइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ए लिक्विड। क्या कहा गया, एक क्यूबाइडल वेसल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, 8 मीटर वो विड्थ है, हाउ हाई उसमें कितना हाई, हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए, मस्ट टू मेड टू होल्ड, उसको कितना ऊंचा बनाना चाहिए जिसमें 380 क्यूब मीटर ऑफ लिक्विड आ सके, यानी कि ये उसकी क्षमता होगी, ये उसकी कैपेसिटी होगी, ये उसका वॉल्यूम हो गया 380 क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर में जब भी आपको कोई चीज़ दिखाई देगी तो वो वॉल्यूम ही होगा, ये वॉल्यूम है, उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो कितनी हाइट का होना चाहिए, एल बी एच इज इक्वल टू 380, एल बी एच, ये देखो एल बी एच इज इक्वल टू 380, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच, लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर, वॉल्यूम 380, हाइट निकालनी है तो वॉल्यूम 380 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, हाइट की जगह एच लगा दिया। अब इस एच को निकालने के लिए क्या करेंगे, 380 बाय 10 इंटू 8, 0 से 0 कैंसल, 24 द 219, 19 बाय 4, 19 को 4 से डिवाइड करोगे 4.75 मीटर, यानी कि उस वेसल की हाइट क्या आनी चाहिए, 4.75 मीटर हाइट होनी चाहिए। डन। क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबाइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ रुपीज 30 पर मीटर क्यूब। कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग होता है खोदना, एक क्यूबाइडल पिट, क्यूबाइडल पिट पिट कहते हैं गड्ढा, एक गड्ढे को खोदने का खर्च निकालना है हमने, उसकी लेंथ है 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर और 3 मीटर डेप्थ है, एट द रेट ऑफ रुपीज 30 मीटर पर मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब गड्ढा खोदने का खर्च 30 रुपीज है, तो इतनी लेंथ ब्रेथ हाइट वाले को खोदने का क्या खर्चा देना पड़ेगा, यानी कि पहले हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर, हाइट 3 मीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच 8 इंटू 6 इंटू 3 मीटर क्यूब, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट इज रुपीज 30 पर मीटर क्यूब, तो इसका कितना आ जाएगा, 8.6 इंटू 3 का, 8.6 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 30, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, रुपीज 4320। कोई मुश्किल नहीं मेरे ख्याल में, पहले चार क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर देखिए, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ द इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर
रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। इसमें सीधा ही कहा गया है ये कैपेसिटी दी गई है यानी कि वॉल्यूम दिया गया है और ये आपको लेंथ दी गई है, ये डेप्थ दी गई है, ब्रेथ निकालनी है। फ़र्क क्या है, जो कैपेसिटी है वो लीटर में दी गई है, लेंथ और हाइट मीटर में दी गई है। तो इसका मतलब हमें इसको पहले मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी मेथड से जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेकंड में किया था। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर हैं। अब हमने इस लीटर को चेंज करना है, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना था तो 1000 से मल्टीप्लाई किया था, अब लीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर लिखा है, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 50,000 लीटर यानी कि LBH इज इक्वल टू 50,000 लीटर। तो 50,000 बाय 1000 कर दिया, L 2.5 इंटू बी, बी निकालनी है, इंटू 10H, ये 50,000 बाय 1000, ये 3 जीरोज कट जाएंगे, ये 50 रह जाएगा और ये इसका 10 लगाएंगे, 10 इससे कट जाएगा, 25 इंटू बी इज इक्वल टू 50। ये तो कैलकुलेशन है, आप अपने आप भी कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 50 बाय 25, दैट इज 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इज 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5th इंपॉर्टेंट था, 6th भी अभी इंपॉर्टेंट आ रहा है। ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। क्या कहा गया, एक गांव में 4000 लोग रहते हैं, एक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो और गांव में एक टैंक है जिसकी लेंथ 20 मीटर है, ब्रेथ 15 मीटर है और हाइट 6 मीटर है, तो वो पानी कितने दिन चलेगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें आ कितना सकता है। तो हमने क्या निकाला, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक एल इंटू बी इंटू एच, 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर, 18,000 मीटर क्यूब, लेकिन लीटर में चाहिए हमें, तो हम इसको लीटर में चेंज करते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1800 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 लाख आ जाएगा। ये हमारे पास 18 लाख लीटर्स वाटर आ गया, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। और एक दिन में कितना चाहिए, वाटर रिक्वायर्ड बाय पर हेड पर डे 150 लीटर, वाटर रिक्वायर्ड बाय 4000 पर्सन। अब एक पर्सन के लिए 150 चाहिए, तो 4000 के लिए 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 लाख लीटर चाहिए। हमारे पास 18 लाख पानी है, एक दिन 6 लाख चाहिए, तो कितने दिन चलेगा वो, 18 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, दैट इज 3 लीटर। नंबर ऑफ डेज ऑफ वाटर विल लास्ट, कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर, टोटल वर रिक्वायर्ड पर डे इन लीटर, 18 लाख बाय 6 लाख, दैट इज जीरोस कट जाएंगी, 3 डेज, तो वो पानी 3 दिन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7th इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए गो डाउन मेजर 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 50 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गो डाउन। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बच्चे करते बड़ी लंबी कैलकुलेशन से बल्कि बहुत जल्दी निकल आते हैं। अब एक गोडाउन है, गोदाम है, जिसकी लेंथ 40 मीटर है, ब्रेथ 25 मीटर है, हाइट 50 मीटर है, उसमें नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कितने रखे जा सकते हैं, जबकि वुडन क्रेट की मेजरमेंट 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 है। तो यानी कि एक जगह पर कितने रखे जा सकते हैं, उस जगह का वॉल्यूम निकालो और जो रखना है उसका वॉल्यूम निकालो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल गोडाउन, गोडाउन की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, 40 इंटू 25 इंटू 50, या बेशक सोल्व मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही लिख दो बेशक, इसमें हमने सोल्व कर रखी है 15,000 मीटर क्यूब, कैपेसिटी ऑफ वुडन क्रेट 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, ये निकाल रखिए, ये भी बेशक मत करो। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15, और वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। आप इसका 10 ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में, इसका पॉइंट हटाकर 100 ऊपर ले जाओ, इसका पॉइंट हटाकर 10 ऊपर ले जाओ, तो भी आप इसको सॉल्व करके अपने हिसाब से ये 16,000 निकाल सकते हो। ये जान के मैंने ये स्टेप यहाँ से रिमूव किया, मैंने कहा नहीं आप करोगे खुद, यहाँ एक स्टेप था मैंने रिमूव कर दिया, मैंने काट दिया, ये आप खुद सॉल्व करोगे, इसका 10 ऊपर ले जाओगे, इसका 100 सॉल्व करके, अगर डायरेक्ट वाला आपको ईजी लगता हो तो ये आपकी चॉइस है, यहाँ की कैलकुलेशन आपकी चॉइस है, जैसे आपको इजी लगता हो, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 16,000, यानी कि उस गोडाउन में हम 16,000 वुडन क्रेट रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइज 12 सेंटीमीटर इज कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। क्या कहा गया है, एक क्यूब सॉलिड क्यूब है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूब है तो बराबर है 12 सेंटीमीटर, इज कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, एक
12 सेंटीमीटर, मान लो एक डाइस है हमारे पास बहुत बड़ी है 12 सेंटीमीटर की, उसको हमने छोटे 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 टुकड़ों में काटा, 8 टुकड़े बना दिए। उन 8 टुकड़ों का वॉल्यूम एक अकेले के वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो डाइस थी 12 सेंटीमीटर, हमने उसमें से काट के बनाए हैं 8, कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं किया, उन्हीं 8 में आया है, कोई मटेरियल हमने एक्स्ट्रा नहीं लगाया, तो इसलिए वो 8 का वॉल्यूम उस एक अकेले के वॉल्यूम के इक्वल होगा। यानी कि एक छोटे का वॉल्यूम क्या होगा, उस बड़े का 8वां हिस्सा हो गया। लॉजिक समझ में आ गया? उन 8 का वॉल्यूम एक बड़े के इक्वल है और एक अकेले छोटे का वॉल्यूम उस बड़े का 8th पार्ट है। डन। अब ये देखिए क्या कहा गया उसमें, 12 सेंटीमीटर है, उसको 8 क्यूब्स में काटा गया है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, तो नए क्यूब की साइड क्या होगी? तो पहले हम देखेंगे नए क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तभी तो हम साइड निकाल पाएंगे। फिर आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, फिर उन दोनों के सरफेस एरियाज की रेशियो निकालिए। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब साइड क्यूब 12 × 12 × 12 × 1728 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। डन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू क्यूब, जो छोटा क्यूब बनाया है, 8 क्यूब बनाए उनमें से एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम बड़े क्यूब का जो ओरिजिनल है उसका 8वां हिस्सा होगा, 1/8। ओरिजिनल का क्या निकाला है हमने, 1728, इसको 1/8 करोगे तो यह आ जाएगा 216। यह 216 सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम आया है, वो जो छोटे 8 बनाया उसके 1 का आया है। ठीक है, अब इसकी साइड निकालेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे, 216 का क्यूब रूट 6। अब ये छोटे की साइड आ गई, बड़े की साइड 12 है, अब दोनों का सरफेस एरिया निकाल लो। ओरिजिनल सॉलिड 6 × 12 × 12 और दूसरे का 6 × 6 × 6, रेशियो में लिख दो 6 × 12 × 12 / 6 × 6, या कैलकुलेट करके 864/216, 4/1, तो रेशियो क्या आएगी, 4:1, उनके स्क्वेयर सरफेस एरिया की रेशियो 4:1। ठीक है, 9th लास्ट क्वेश्चन, ए रिवर 3 meter डीप एंड 40 meter वाइड इज फॉलोइंग एट द रेट ऑफ 2 km/h, हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू सी इन ए मिनट। क्या कहा गया है, एक रिवर तीन, ये ना जब भी हम फ्लोइंग वाले करते हैं, एक तो रिवर को हम क्यूबॉइड शेप में मानते हैं और जो फॉलोइंग रेट आता है जो पानी का बहाव उसको हम लेंथ मानकर चलते हैं, क्योंकि डेप्थ और विड्थ तो सेम ही रहती है। 3 meter गहरी है और 40 meter चौड़ी है, इज फॉलोइंग एट द रेट ऑफ 2 km/h, एक घंटे में 2 km तक पानी जाता है, एक घंटे में 2 km, ये मीटर में है, तो इसको चेंज करेंगे 2000 meter में। हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू अ सी इन 1 मिनट, एक मिनट में सागर में पानी कितना गिरेगा, तो पहले हम इसमें निकालते हैं, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 km/h, द वाटर फ्रॉम 2 km ऑफ द रिवर फ्लोज इन टू सी इन 1 आवर, तो क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ 2 km थी, ये 2000 meter होगी, ये ब्रेथ, ये हाइट, इसको सोल्व कर दिया, क्या आ जाएगा, 240,000 meter³। ठीक है, ये हमारे पास एक घंटे का आ गया, 1 km में लिखा 1000 meter, इसीलिए इसको 2000। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू सी इन 1 आवर, 60 मिनट में इतना गिर रहा है, तो 1 मिनट में इतना गिरेगा, एक मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वो एक मिनट में 60 से डिवाइड कर देंगे, ये 4000 meter³ आएगा। ठीक है, अब देखो ये एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है, आई समझ, ये आप नो क्वेश्चन है, आप सोचोगे एक ही दिन में मैं, हमने इतनी लंबी एक्सरसाइज दे दी, आपके पास 2 दिन है, वेडनेसडे थर्सडे, 4-4 क्वेश्चन करके कर लीजिए, लेकिन आपने करना बड़े आराम से है, वीडियो को पॉज करते हुए आराम से वीडियो को रोक लो, कहीं क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, एक चीज़ नहीं समझ उसको दोबारा सुन लीजिए, वीडियो दोबारा सुन लीजिए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछना। ठीक है, इससे रिलेटेड अब सरफेस एरिया है तो आपको ऊपर ही मेरा चैनल में आपको दिखाई देंगे प्लेलिस्ट में, आपको पिछला पार्ट भी दिखाई दे देगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो वो भी पता चल जाएगा सरफेस एरिया कैसे निकाला गया, जिन्होंने पहले नहीं देखा है, जो नए जुड़े हो, नए आए हो, कोई एडमिशन नया हुआ है, जिनका एग्ज़ाम डेज में हुआ है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि तुम्हारे जो हमारी मार्किंग सीम है, जो हमारी एग्जामिनेशन है, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो भी मैं साथ साथ बताती रहूँगी, वीडियोस एक्स्ट्रा भी डालती रहूँगी जो तुम्हें एक्टिविटी में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपने ये पूरा बराबर करना है, क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लेने हैं, और इसके 2 या 3 एग्जाम्पल होंगे 13.5 से पहले तक, वो भी आपने कर लेने हैं, और मुझे थर्सडे इवनिंग तक भेजना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।